नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 समाचार चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। भोपाल गुरु गोरखनाथ जयंती की पूर्व संध्या पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर पूजा कर उनसे आशीर्वाद लिया। गुरु गोरखनाथ विकास संगठन ने गुरु गोरखनाथ जयंती की पूर्व संध्या पर मध्यम वर्गीय छात्र छात्राओं को पुस्तक, कॉपी, पेन एवं पढ़ने योग्य सामग्री प्रदान की, जिससे उनका उज्ज्वल भविष्य बन सके। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर राहुल जोगी ने बताया, गुरु गोरखनाथ जी महाराज का भी यही उद्देश्य था कि दूसरों की मदद करें। उनके बताए हुए मार्ग पर हम चलकर लोगों की सेवा करें। फाउंडेशन की संस्थापक श्रीमती रंजीता राहुल जोगी ने कहा कि मिलकर ऐसे बच्चों का सहयोग करना चाहिए जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ाई करने में असमर्थ हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा हम सबको मिलकर उठाना चाहिए। इस अवसर पर कई सामाजिक बंधु उपस्थित थे। बच्चे पुस्तक, कॉपी, पेन पाकर काफ़ी खुश नजर आ रहे थे। इंजीनियर राहुल जोगी, मैं गुरु गोरखनाथ विकास संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। संतोष जी, क्या है हमारा सबसे बड़ा एक ही उद्देश्य है कि एजुकेशन का कोई तोड़ नहीं है, एजुकेशन का कोई जवाब नहीं है। तो इन बच्चों के लिए एजुकेशन को लेकर हमारे मन में आया कि एजुकेशन से हम दुनिया बदल सकते हैं और दुनिया में कुछ कर सकते हैं। तो एक छोटा सा प्रयास किया है कि भगवान गुरु गोरखनाथ जी की जयंती तो मनाते हैं, लाखों करोड़ों खर्च करते हैं सभी लोग, और मनाएं ये नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ एजुकेशन पर बहुत ज्यादा ध्यान दें बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए। और कई ऐसे परिवार होते हैं जो काफी किताबें, पुस्तक नहीं खरीद पाते हैं, तो उनके लिए एक छोटी सी पहल है। तो ये हमारी पहल निरंतर जारी रहेगी। तो वक्त वक्त पर जो भी बच्चों को, जितने लोगों से मिले, उनके नाम नंबर सब लिए गए हैं, उनको कॉपी किताबें की जब जरूरत पड़े तो वो कॉल करें, उनको कॉपी किताबें उनके घर पर उपलब्ध कराई जाएंगी, पहुँचाया जाएगा। पढ़ लिख के वो अपने परिवार का, अपने समाज का और हमारे देश का नाम रोशन करें उज्ज्वल भविष्य की कामनाओं के साथ। हमारी यही शुभकामनाएं सभी को हैं कि ज्यादा से ज्यादा शिक्षा पर ध्यान दें। बाकी तो सब होते रहते हैं। और हमारे सामाजिक बंधुओं को गुरु गोरखनाथ जयंती के उपलक्ष्य में सभी को बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं। और हमारे धर्म से जुड़ाव रहे, एजुकेशन से भी जुड़ाव रहे। हमारे पारिवारिक जीवन में सिर्फ खुशियां ला सकती है तो वो शिक्षा ला सकती है, बाकी तो चंद घंटों की खुशियां रहती हैं। शिक्षा ही एक ऐसी खुशी है वो जिंदगी में हमारे साथ चलती रहेगी, वो हमें देती रहेगी। और हमारा तो इतना ही कहना है कि सभी को बच्चों को पढ़ाना चाहिए, भले दो रोटी कम खाएं लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। हाँ, हर बार हम अपने तरीके से मनाते हैं
और सबसे पहले तो मैं सामाजिक बंधुओं को आदेश करना चाहूंगी गुरु गोरखनाथ की जयंती के उपलक्ष्य में। सभी को बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं, और हम सभी इसी तरह से अच्छे से मनाते रहें, अपनी आराध्य को याद करें और बस खुशियां बांटते रहें गुरु गोरखनाथ की उपलक्ष्य में। हम ये चाहते हैं कि हम तो अच्छे से उत्सव मनाते हैं, लेकिन हम इस बार हमने ये सोचा कि जो बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं और जो नहीं है अपने आप में, तो हम उनके लिए कुछ करें, इसलिए हमने इस उपलक्ष्य में कॉपी, पुस्तक, पेन ये सब बांटी है बच्चों को, ताकि आगे की वो अपनी पढ़ाई, अपना एजुकेशन जारी रख सकें। हमारे समाज के लिए, हमारे समाज का मतलब भविष्य तो यही है, हमारे बच्चे अगर ये आगे बढ़ेंगे तो हमारा समाज वैसे ही आगे बढ़ेगा और सब होगा और अपने आप में कैपल होगा। तो हम बस इसी के साथ बच्चों के लिए बस इतनी छोटा सा अपना योगदान देना चाहते हैं, जिसमें हम थोड़े से सोचते हैं कि चलो थोड़े से हम सक्षम हो गए तो हम आने वाले अपने बच्चों को भी सक्षम करें। तो मैं रंजीता जोगी, राहीजीत बिल्डर की मैनेजिंग डायरेक्टर। हाल के लिए इस खबर में इतना ही, बने रहे हेडलाइन 24 समाचार के साथ। नमस्कार, ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।